नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो आपका 17 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास जो बच्चे सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो फोकस है वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पे होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको आप ज़रूर तैयार करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ, भुजाओं की लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ये आपसे पूछना चाहता है कि ये जो तीसरी भुजा है इसकी लंबाई क्या हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो इनके डिफरेंस से ज़्यादा होगी और इनका जो सम है उससे कम होगी, यानी कि इनके डिफरेंस और इनके सम के बीच वाली कोई वैल्यू होगी, यानी कि वो क्या हो सकती है, इनका डिफरेंस क्या है 12, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी वो 12 से बड़ी होगी, लेकिन इनका सम कितना आएगा 72, 72 से छोटी होगी, यानी कि वो किसके बीच में लाई करेगी, 12 से 72 के बीच में लाई करेगी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% के लाभ पर बेचता है, यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है कि बड़ा व्यापारी है, फिर एक छोटा व्यापारी है, उससे नीचे व्यापारी है, वो अपना जो है प्रॉफिट कमाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट वाले के लिए वैल्यू दी है, तो पहले वाले को ये जो वैल्यू थी वो कितनी पड़ी वो आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लेते हैं कि राम को ये चीज़ x की पड़ी, तो फिर इसने 20% का इस पर प्रॉफिट कमाया, कितने का बेचा 120/100 में, फिर ये चीज़ इतने की किसको पड़ी, मोहन को पड़ी, फिर मोहन ने इस पर 40% का फ़ायदा कमाया यानी कि 140/100 में बेचा, तो ये जो है मोहन इसे श्याम को बेचता है, तो मोहन ने कितना फ़ायदा कमाया 40% का, तो श्याम को ये चीज़ कितने की मिल रही है 1430 की, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 1430 के बराबर है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1430 × 100 बटे कितना होगा 12 × आपका 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यहाँ पे 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 25 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो नीचे कितना हुआ 21, ऊपर कितना हो जाएगा देखो 25 × 5 = 125 हासिल लगा 12, 25 × 1 = 25 और 12 कितना हुआ आपका 37 हासिल लगा 3 और 25 × 7 कितना होता है 175 और 3 कितना हुआ आपका 178 और नीचे कितना है आपका 21, तो जब इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा आपका ये 8 बार जाएगा, 21 अट्ठे कितना होता है आपका 168, कितना बचा 10, ठीक है, फिर आपका 10 बचा, फिर हमने कितना उतार लिया 7, फिर जाएगा 21 × 5 = 105, कितना बचा 2, 5 उतारा 21 × 1 = 21, यानी कि 851.19, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आपको मैंने इससे पहले वाले भी क्लास में बताया था कि टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें आपको अगर पता हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहला टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, दूसरा कैपेसिटी, क्योंकि पूरे टाइम एंड वर्क में वर्क कॉन्स्टेंट होता है और वर्क कॉन्स्टेंट होने की वजह से ही टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर अलग अलग काम कराया जाएगा तो आप उसमें रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं, यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे पहले हमें यहां से कैपेसिटी पता चलेगी और जब कैपेसिटी पता चलेगी तो टोटल वर्क पता चलेगा, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि 15 पुरुष जो हैं वो किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं और 25 जो महिलाएं हैं वो उसी कार्य को 40 दिन में कर सकती हैं, काम वही होगा, ठीक है। तो 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो हम कह सकते हैं पुरुष और महिला की कैपेसिटी का जो अनुपात है वो 8:3 है। अब टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या यहाँ से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, हम यहाँ से निकालते हैं 15 पुरुष, यानी कि 15 और एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है 8 × 25। अब ये काम किससे करवाना है,
15 पुरुष और 25 महिलाओं से। तो 15 पुरुष कितने लड्डू बनाएंगे, एक पुरुष 8 बनाता है तो 15 यानी कि 15 अट्ठे कितना हुआ 120 प्लस 25 महिलाएं यानी कि 25 तियाँ 75। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 15 × 8 × 25 और नीचे कितना हो जाएगा आपका ये 195। तो 15 से काटेंगे 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 25 × 8 = 200/13 तो कितने बार जाएगा 13 × 1 = 13 हाँसी लगा 7 × 13 = 65 यानी कि 15 सही 5/13 आ जाएगा आपका, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 केस बनेंगे, कैसे बनेंगे वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परिता क्रमशः 2 मीटर/सेकेंड, 4 मीटर/सेकेंड और 6 मीटर/सेकेंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है, वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। देखो अगर दो लोग होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलेटिव स्पीड लगा के इससे हम डिवाइड कर देते तो जितना टाइम लगता उतने टाइम के बाद वो मिलते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन बन रही है, कैसे समझो आप, जैसे कि ए है, ठीक है, ए जो है इसकी चाल कितनी है 2 किलोमीटर/आवर, बी की जो चाल है वो 4 मीटर/सेकेंड है, और इसकी आपकी 2 मीटर/सेकेंड है और बी की जो चाल है वो कितनी है 4 मीटर/सेकेंड, और सी जो है उसकी चाल कितनी है आपकी 6 मीटर/सेकेंड। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ए और बी जो है वो अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो सी इसके अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन कितनी बनेंगी 3। कैसे, अगर हम ए और बी में कंपेरिजन करेंगे तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं यानी कि इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कैसे निकालेंगे, एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, घटा के। फिर ए और सी में जब रिलेशन देखेंगे तो ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 6 और 2 = 8। और अगर हम बी और सी में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितनी होगी 10 होगी। तो ये रिलेटिव स्पीड है। अब टाइम कितना लगेगा, 1200 को आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे जो टाइम लगेगा, यहाँ पे जो टाइम लगेगा, इनका एलसीएम भी जो होगा इनका आपस का टाइम होगा, ठीक है, जितने समय के बाद ये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1200/8, यहाँ पे कितना आएगा 1200/10, ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपका 600 सेकेंड। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 8×5 = 40, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना जाएगा 120, तो 120 सेकेंड का मतलब 600 सेकेंड का मतलब क्या हुआ आपका, 600 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 10 मिनट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 150 सेकेंड का मतलब क्या हुआ आपका, इसे अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिनट हुआ। ऐसे यहाँ पे कितना हुआ 2 मिनट हुआ, क्लियर। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 मिनट, इनका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 10 मिनट, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए साइन कॉस सेक ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज के अनुपात है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता होना चाहिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अगर 4 है तो कर्ण 5 होगा, ठीक है। अब 4 और 5 और 3 का ट्रिपलेट बनता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट बनता है। अब हमें ये भी पता चल गया लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 10 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि 4/3 हो गया, ये क्या होगा आधार बटे लंब। तो बस सॉल्व कर लो, 4 × 16 = 3 × 3 = 9 और नीचे कितना आएगा 12, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 और नीचे कितना आएगा 12, यानी कि 7/12 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, एक बैग में लाल हरे और नीले पेन है, लाल नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात जो है वो 7:4:9 है, यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है। तो टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है 7, 4, 11 और 9, 20 की जो वैल्यू है वो कितनी है 320 के बराबर, यानी कि एक की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है 16 के बराबर। तो लाल पेन कितने हैं, तो लाल पेन की संख्या कितनी है 7 रेशियो, तो 7 की वैल्यू कितनी जाएगी 7 × 16, 16 × 7 कितना होता है 112, यानी कि आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 10π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, यानी कि 10 30 प्लस
sec 30 की वैल्यू आपको जोड़ के बतानी है। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1 बाई रूट 3 होती है और sec 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 बाई रूट 3 होती है। तो बेस अब नीचे वाला जो हर है दोनों का बराबर है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 और 1 3 बटे रूट 3। अब 3 को क्या ले सकते हैं, √3 × √3 बटे √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, √3 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सिंपल है, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 2x² + 1 / x² - 2x + 1। अब आपको पता होना चाहिए x की पावर 4 माइनस 2x² + 1 को हम लिख सकते हैं x² + 2x + 1 × x² - 2x + 1। आप इसे खोल के देख लो इतना ही आएगा, और नीचे कितना है x² - 2x + 1, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस वाला, यानी कि x² + 2x + 1, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में 40 दिन में और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि काम की शुरुआत ए से होती है और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। जब बारी बारी से काम होता है तो बस ये याद रखो कि काम की शुरुआत जिससे होगी, पहली बात तो ये दिया होगा कि काम की शुरुआत किससे हो रही है, अगर काम की शुरुआत नहीं दी है इसका मतलब है क्वेश्चंस के आंसर एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब बारी बारी से काम होगा तो ये जरूर दिया होगा काम की शुरुआत किससे हो रही है, और हमेशा याद रखो जब बारी बारी से काम होगा तो एक कंप्लीट चक्कर होने के बाद बारी उसकी आएगी जिससे काम की शुरुआत हुई। जैसे मान लेते हैं 3 लोग हैं ए बी सी, इससे काम की शुरुआत हुई तो ए बी सी ये करेगा तो एक पूरा चक्कर हो गया, फिर बारी किसकी आई ए की, फिर बारी किसकी आई 2 चक्कर के बाद फिर बारी किसकी आई, यानी कि पूरा एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद बारी उसकी आएगी जिससे काम की शुरुआत हुई, ठीक है। चाहे एक आदमी करे, 2 आदमी करे, 3 आदमी करे, 4 आदमी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, बी जो है वो 40 दिन में करता है, सी जो है वो आपका 50 दिन में करता है, क्लियर। तो इसका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पे ये एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा 20, ये कितने बनाएगा 15, ये कितने बनाएगा आपका 12, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेना आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसके लिए भी जो क्लासेस हैं वो हमने अपलोड कर दी पूरी, एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से डील होता है, एसएससी में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ए जो है वो एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 20 लड्डू, बी जो है वो 15 लड्डू बनाता है, सी जो है वो 12 लड्डू बनाता है। तो पहले ए ने काम किया यानी कि 20 लड्डू बने पहले दिन, दूसरे दिन सी बी ने काम किया 15 लड्डू बने, फिर सी ने काम किया तो 12 लड्डू बने, टोटल कितने बन गए लड्डू आपके, यानी कि हम कह सकते हैं 3 दिन के पीरियड में 47 लड्डू बन गए, ठीक है। हमें पहुंचना है 600 तक, तो हम 8 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 600 है यानी कि 12 बार लेके जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 12 आएगा यानी कि 500 कुछ आएगा आपका, तो 12 बार ले जाते हैं, तो 12 से इधर भी गुणा करेंगे, 12 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 12 × 3 = 36, यहाँ पे कितना आएगा 62 × 84, यहाँ से लगा 8 और 12 × 48 और 8 कितना हुआ आपका 56, यानी कि कितना हो गया आपका 564। 13 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा आती वैल्यू, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे चूंकि हमें 600 तक पहुँचना है, अब देखो बारी किसकी आएगी जिससे काम शुरू हुआ, तो काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए फिर अगले दिन यानी कि 37वें दिन 20 लड्डू और बन जाएंगे, यानी कि टोटल लड्डू कितने बन गए 584। अब बारी किसकी आएगी आपकी, अब बारी जो आएगी वो किसकी आएगी, बी की आएगी, तो 38वें दिन 15 लड्डू और बन गए, क्योंकि एक दिन में 15 लड्डू बनेंगे तो 38 दिन में 15 लड्डू और बन जाएंगे, तो 599 लड्डू बन गए, बचा कितना लड्डू बनाने के लिए एक। अब ये जो है वो एक दिन में 12 लड्डू बनाता है, तो एक लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा 1/12, यानी कि 38 सही 1/12 दिन में टोटल 600 लड्डू आपके बन जाएंगे। इसका मतलब है पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ता है, दौड़ने लगता है, यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर की जो चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो सिपाही चोर को पकड़ने से पहले चोर जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हमेशा याद रखो, जैसे मान लेते हैं कि चोर जो है वो यहाँ से यहाँ तक भागा, अब मार और सिपाही ने यहाँ पे देखा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पकड़ा जाएगा, तो कब पकड़ा जाएगा, जब चोर यहाँ से यहाँ तक
उतने ही समय में आए जितने समय में सिपाही यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। यानी कि दो चीज़ों का मिलन कब होगा, जब मीटिंग टाइम कांस्टेंट होगा, जब समान समय में मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी इसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर हो, और जब टाइम कांस्टेंट होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के आपने जो आपका चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि अगर टाइम आपका कांस्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि डी वन अपान डी टू की जो वैल्यू होती है वो बी टू अपान वी वन के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो है। तो अगर हम ये मान लें कि चोर के द्वारा चली गई दूरी जो है वो डी वन है और सिपाही के द्वारा चली गई दूरी जो है वो डी टू है, तो ये किसके बराबर होगी, बी टू अपान वी वन का मतलब सिपाही की चाल बटे चोर की चाल, तो कितना आ जाएगा, D1 बटे D2 की जो वैल्यू होगी वो 8 बटे सिपाही की जो चाल है वो 8 है और चोर की जो चाल है वो 6 है, यानी कि इसका अनुपात 4:3 आएगा। अब देखो इनके बीच में गैप कितना है, 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दिया है, 200 मीटर का, यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। तो चोर के द्वारा चली गई दूरी निकालनी, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 200, यानी कि कितना जाएगा, 600। अगर सिपाही की दूरी पूछी जाएगी तो वो 200 ज़्यादा तय करेगा, यानी कि 4 × 8 800 होगी। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और ऋतिक जो है वो वाई रुपये की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करता है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर जो है वो 37% हो जाती है तो बाई की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा कैसे। देखो 90,000 रुपये जो आय है इस पे जो है 90,000 रुपये जो आय है 90,000 रुपये जो आय है आपकी 90,000 रुपये जो आय है इस पे इनकम टैक्स कितना जाता है 30%। फिर बाई आय है इस पे इनकम टैक्स कितना जाता है इंडिविजुअली 40%। ओवरऑल कितना जाता है 37%। तो यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 3 और इसका डिफरेंस कितना होगा 7। 3 की वैल्यू होगा 90,000 है, यानी कि 1 की वैल्यू 30,000 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 × 30,000, दैट मीन 2,10,000। तो इसका मतलब है चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवार की संख्या इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत, यानी कि कंपेरिजन जो है वो दिल्ली से करना है। तो महाराष्ट्र वाले चयनित कितने हैं इनको जोड़ के निकाल लो, दिल्ली वाले जो चयनित हैं वो कितने हैं इनको जोड़ के निकाल लो, और कंपेरिजन इससे करना है, यानी कि इसकी वैल्यू को जो महाराष्ट्र वाली वैल्यू है उसको दिल्ली से डिवाइड करना है, × 100 करना है, बस कैलकुलेशन करना है। तो आंसर आपका कितना जाएगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है क्वेश्चन, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 34% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि अगर दो वृद्धि की जाती है, जैसे मान लेते हैं 20% का प्रॉफिट होता है और फिर 20% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या किस तरीके से निकालते हैं, D1 + D2 + D1 × D2/100 से निकालते हैं, या इसी तरीके से x + y + -xy/100 से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है भुजा 34% की वृद्धि हुई और जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, इस फार्मूले से निकाल लेंगे 34 + 34 + 34 × 34/100, तो कितना आ जाएगा, 34 आपका कितना हुआ 68 और 34 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर निकाल लो कितना हो जाएगा, 4 × 16 1 × 4 = 12 और 1 × 13 और यहाँ पे 3 × 4 = 12 हंसी लगा 1 × 3 = 9 और 1 कितना हुआ 10 6 और यहाँ पे 5 × 1 = 1 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 11.56। तो 11 और जोड़ दो इसमें, यानी कि 79.56 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है वो 14,522 है और 11 वर्ष में जो प्राप्त मिश्रधन है वो कितना है
18,906 रुपये। तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी? देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना हर साल ब्याज मिलेगा। तो किसी जुगाड़ से अगर हमें एक साल का ब्याज पता चल जाए तो आप जो है जो आपकी धनराशि है वो पहले वाले से भी निकाल सकते हो। जैसे कि ये आपका 7 साल के बाद मिश्रधन है, तो इसमें से 7 साल का ब्याज माइनस कर दोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 11 साल का ब्याज माइनस कर दोगे तब भी मूलधन आ जाएगा। तो 7 साल के बाद जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है? 14,522। ऐसे ही 11 साल में जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है? 18,906। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 4 साल में ब्याज कितना मिला। यहाँ से इसमें से ये घटाना, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। यहाँ पे 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। और यहाँ पे आपका 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? 4×1=4, ना जाने का 0, फिर 4×9=36 और 4×6=24, यानी कि 1096 आया। तो 7 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1096 में को हम 7 से गुणा कर देंगे, 7×6=42, 4×7=63 और 4 कितना हुआ? 67, 6×7=51, यानी कि 7672 रुपये इसमें से आप माइनस कर दो। और यहाँ से अगर आप निकालना चाहते तो 11 साल का ब्याज माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0। 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5। 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8। और यहाँ पे 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 6। यानी कि 6850 आएगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। अगर कोई सीरीज दी है गुणोत्तर श्रेणी की, देखो प्रथम पद जो है वो ए होता है, इसकी वैल्यू कितनी? 3। और सर्वानुपात कितना है? अगर इस पद को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब इसका जो योगफल होता है वो क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन होता है। तो यहाँ पे योगफल निकाल लो कितने पद तक है, यानी कि एन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8 है, ठीक है। तो 3 और यहाँ पे कितना आएगा? 3×8−1 बटे 3−1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3। ये आपका शायद होता है 3×8 जो होता है वो 6561 होता है, 6561 ही होता है। 3×9=27, 3×81=3, 243×7=729 को अगर हम 9 से गुणा करें तो 9×9=81, 80 लगा 8, 9×2=18, 8×26 और हासिल लगा 2, 9×7=63 और 2 कितना हुआ? 65। हाँ 6561, ठीक है। तो 6561-1 यानी कि 6560/2, तो 2 से काटेंगे, 2×3=6, 2×2=4, 2×8=16, इसकी 3 से गुणा कर दो कितना जाएगा? 0। 3×8=24 और 3×2=6, 2 कितना हुआ? 8 और 3×3=9, 9840। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए जो है वो प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 8 दिन में करता है। ऐसे ही बी जो है वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो 5×2=10, 2 से काटेंगे, 2×6=8, 2×2=4, 2×3=6, यानी कि ए और बी की जो कैपेसिटी है उसका अनुपात कितना आ गया? 3:2। अब टोटल वर्क चाहे इधर से निकाल लो या उधर से निकाल लो, तो वर्क कितना आ जाएगा? यहाँ से निकालते हैं तो 3, ए जो है वो 3 लड्डू बनाता है, 3×5×8। अब यहाँ पे किससे काम करवाना है? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? 3×2=5 और 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 3। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, क्या दिया हुआ है? 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इस तरीके से आपका ये चाप है, ठीक है, ये 18 डिग्री का कोण बनाता है और इस चाप की जो लंबाई है वो 23.1 दी है। तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? चाप किसका पार्ट है? परिधि का पार्ट है, यानी कि चाप की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है 2πr θ/360 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 23.1 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू ही हमें निकालनी तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, r थीटा की वैल्यू 18/360। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 18×2=36 होता है, ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटा दें नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? अब 11 से काटेंगे, 11×2=22, 11×1=11, 11×2=22, यानी कि r की जो वैल्यू है वो 21×7/2 आई।
तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 21 × 7 और बटे कितना हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी कि इतना आया 21 × 51 441 × 11 = 77/2, तो गुणा कर लो भाई कितना हुआ, 441 को 77 से जब गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, यहाँ से लगा दो 7 × 4 = 28, 2 = 30, तो 7 × 8 = 03, यानी कि 7 × 8 = 15, 9 और यहाँ पे 3 × 3, तो कितना जाएगा आपका 33 9 57 बटे 2 से डिवाइड करो तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 और 0.5, यानी कि कितना जाएगा 16978.50 cm². तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन है बाकी और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो 2500 के बराबर है, तो 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, 25 के बराबर। क्या निकालना है, कंपनी ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो ए में कितना है 40%, सी में कितना है 8%, डिफरेंस कितना जाएगा 32%, तो 32% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 25 × 32, तो 25 × 2 = 50, हासिल लगा 5 × 25 = 75, 5 = 80, यानी कि 800। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या निकालना है, 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होगी। देखो तो यहाँ पे डिस्काउंट वाला फार्मूले से भी आप लगा सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड लगाओ वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। डिस्काउंट वाला फार्मूला दो में लगता है, तो पहले किसी दो में लगाओ, या तो इनमें लगाओ या इनमें लगाओ, यहाँ से एक वैल्यू आएगी फिर इनमें लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं या रेशियो मेथड ही उसे हम कहते हैं। तो 12% का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 12/100, यानी कि 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 25 की चीज़ को 22 का बेचा गया, ठीक है। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को 4 का बेचा गया, ठीक है, और 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 की चीज़ को 3 का बेचा गया, क्लियर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 25 × 5 = 125 की जो चीज़ थी उसको 22 × 3 = 66 का बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो घटा लो 25 में से आपका 6 गया तो कितना बचा आपका, 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, और 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 59 का डिस्काउंट दिया गया किस पे, 125 पे, तो 100 पे कितना होगा, 25 × 100 = 25 × 5 = 125, 9 × 4 = 36 और 4 × 5 = 36 और 4 × 5 = 20 और 3 कितना हुआ आपका 23, 5 से काटो तो कितने बार जाएगा 5 × 20 और 5 × 35 और 5 × 10, यानी कि 47.2 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो शंकु होता है वो कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज को या तो ऊंचाई के पड़ता जब घुमाते हैं या आधार के पड़ता घुमाते हैं तो आपका शंकु बनता है। तो यहाँ पे आधार जो है यानी कि त्रिज्या 6 है, ठीक है, ऊंचाई जो है वो 8 दी है, तो इसका मतलब है 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो हमें पता चल गया कि जो शंकु की लेटरल हाइट यानी कि तिरक जो ऊंचाई है वो 10 हो गई। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6 और यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 और 6 आपका 16, सॉल्व कर लो भाई कितना हो जाएगा 6 × 12 और 1 = 13 और फिर से 16 से गुणा करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 16 × 32 हासिल लगा 3, 16 × 3 = 48 और 3 कितना 51 हासिल लगा 5 और 16 × 1 = 16 और 5 कितना हुआ 21, तो 7 × 3 = 21 ना जाने का 0, 7 × 3 = 21 ना जाने का 0, फिर आपका 7 × 1 = 7 और फिर कितना बचेगा 7 × 7 = 49, यानी कि 301.71 आएगा कुछ। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, यानी कि
सबसे बड़ी संख्या का मतलब 99 टाइप की संख्या होगी, 88 का मतलब वो संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो सिर्फ 8 की आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट के तीन अंक या तो 0 हो या तीन अंक 8 से पूरी तरीके से कटे। तो ये तीन अंक 8 से नहीं कटते हैं, ये भी 8 से नहीं कटते हैं, ये भी 8 से नहीं कटते, केवल यहाँ पे 8 से कट रहे हैं, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है। क्या दिया हुआ है, x माइनस वन अपान x की जो वैल्यू है वो रूट सिक्स दी है और x इज ग्रेटर देन वन, इसकी वैल्यू बतानी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर 4 माइनस वन अपान x की पावर 4 और x की पावर 4 प्लस वन अपान x की पावर 4, इसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 8। ऐसे ही x की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 निकालें, यानी कि इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 यानी कि 64 माइनस 2 कितना हो गया 62, ये हमने निकाल लिया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 62। अब हमें क्या निकालना है, इससे हमें जो है जैसे x प्लस वन अपान x अगर दिया है और x माइनस वन अपान x आपको निकालना है तो अंडर रूट क्या होगा, x प्लस वन अपान x का होल आप स्क्वायर माइनस 4, तो वही यहाँ पे करेंगे, x की पावर 4 माइनस वन अपान x की पावर 4 निकालने के लिए अंडर रूट 62 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो 64 और a माइनस बी करेंगे तो 60, 64 का बाहर निकल के 8 आएगा और 60 में 15 चक्कू 60 यानी कि 2 यानी कि 2√15 यानी कि 16√15 हो जाएगा, तो 16√15। अब इसे गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96 और 3 कितना हुआ आपका 99, यानी कि कितना हो जाएगा 992√15। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। बाकी आपके जो टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लास है वो भी हम बहुत जल्द आपके लिए लेके आने वाले हैं। उसके अलावा एज इट इज़ जिस तरीके से एसएससी में आपका टेस्ट होता है उसी इंटरफेस पे हम आपके लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव जो मॉक है वो भी कराएंगे, सेक्शनल जो मॉक है वो भी आपके लिए लेके आएंगे, बहुत कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है a प्लस वन अपान ए की वैल्यू 7 है, तो a की पावर 5 प्लस वन अपान ए की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि किस तरीके से निकालते हैं, जैसे a की पावर 5 प्लस वन अपान ए की पावर 5 कैसे बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर और ए क्यूब प्लस वन अपान ए क्यूब और इसमें से क्या घटाएंगे, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, यानी कि a प्लस वन अपान ए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फार्मूला होगा, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, जैसे 4 और 1 5 होता है तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, a की पावर 4 प्लस वन अपान a की पावर 4 और इंटू ए प्लस वन अपान ए, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 4 और 1 का डिफरेंस 3 यानी कि ए क्यूब प्लस वन अपान ए क्यूब, इस तरीके से भी बन जाएगा। और किसी तरीके से बना सकते हैं और किसी तरीके से नहीं बना पाएंगे, एक 4 और 1 से बना सकते हैं, 3 और 2 से बना सकते हैं, तो हम पहले वाले से करेंगे, दूसरे वाले से आप करना चाहो दूसरे वाले से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको a प्लस वन अपान ए की वैल्यू 7 दी हुई है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 7 का वर्ग 49 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 47। ऐसे ही a प्लस वन अपान ए की वैल्यू 7 दी है तो ए क्यूब प्लस वन अपान ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका क्यूब करो यानी कि 343 माइनस 7 * 21 यानी कितना जाएगा आपका 322 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो गया आपका 47 * 322 और माइनस का 7, तो इसे जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 322 को 47 से जब गुणा करो, 7 * 2 = 14 हासिल लगा 1, 7 * 2 = 14 और 1 = 15 हासिल लगा 1, 7 * 3 = 21 और 1 = 22, 4 * 2 = 8 4 * 2 = 8 और 4 * 3 = 12 यानी कि 4 * 8 = 13 8 * 2 = 10 और 1 = 11 2 * 2 = 4 और 1 कितना हुआ 5 और 1 यानी कि 15,134, इसमें से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 15,127 यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, इसको बस सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कॉस 47 है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक 180 माइनस 47 तो 133 आ जाएगा। ऐसे ही आपका साइन 44 है और इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉसेक 180 माइनस आपका 44
ठीक है, आपको पता होना चाहिए 180 माइनस थीटा यानी कि दूसरे में जाएगा और ASTC होता है आपका, यानी कि पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे सेक वाला ये तो माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस सेक 47 और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी कि कट जाएगा, यहाँ पे केवल आएगा आपका माइनस वन, ऐसे यहाँ पे प्लस का आएगा वन, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कितना जाएगा जीरो। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, रवि किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, सुधा उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है तो उसके बाद वे बारी बारी से काम एक एक दिन में करते हैं तो काम कितने दिन में होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा जो है वो 60 दिन में कर सकती है, एलसीएम इसका कितना हो गया 120, यानी कि ये तीन लड्डू बनाता है एक दिन में और ये दो बनाती है। काम की शुरुआत सुधा से होती है यानी कि पहले दिन सुधा ने काम किया, फिर इसने काम किया रवि ने, यानी कि दो दिन में कितने लड्डू बने 5। अब 120 बनाने तो ये डायरेक्ट बन जाएंगे, 24 से गुणा कर दो, तो 24 से जब गुणा करोगे तो 24 दुनी 48 दिन में टोटल 120 लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कि 48 दिन होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, करना क्या है इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।